हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपके लिए फिर से हायरिंग बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 10th एंड 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में, जो कि दोस्तों इसी वीक तक कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। सो दोस्तों आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप ये समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा उस बेल आइकन को भी जरूर हिट करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आज के सेगमेंट को आगे बढ़ाती हूं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने इस जॉब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट यहां पे ओपन करके रखा है, जिसके थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप यहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में समझ सकते हो कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के वॉक इन इंटरव्यूज हैं, जो कि दोस्तों कोलकाता में इनका एयरपोर्ट बेस है वहां के लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जो कि 3 साल का रहेगा, जिसका मतलब ये होता है कि 3 साल के लिए आपको इस जॉब के लिए रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस आपकी इस जॉब को ये रेन्यू कर देंगे, मतलब एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस है। तो दोस्तों हैंडीमैन की, मतलब लोडर जिसको हम कहते हैं, अगर आप ये नहीं समझते हो कि हैंडीमैन क्या होता है, कौन सी जॉब पोजिशन होती है, तो दोस्तों हैंडीमैन को हम लोडर भी कहते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेल हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट भी हो और आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करते तो गर्ल्स आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 101 है। वॉक इन इंटरव्यूज दोस्तों यहाँ पे इसके 19 जनवरी, मतलब 19 जनवरी 2019 9 बजे से इंटरव्यूज आपके शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे 12 बजे तक चलेंगे। तो अगर आप एक आउटस्टेशन कैंडिडेट हैं तो टाइम पे अपना रिजर्वेशन करा लीजिए, और अगर आप यहाँ पे उसी शहर में उसी लोकेशन में एग्जिस्ट करते हो, वहीं रहते हो, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आप यहाँ पहुंचिएगा। वेन्यू यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एयर इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स न्यू टेक्निकल एरिया डमडम एयरपोर्ट अपोजिट टू एयरपोर्ट स्पीड पोस्ट ऑफिस। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। क्वालिफिकेशन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक 10th या 12th पास कैंडिडेट हो, ठीक, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे पहले से कोई एक्सपीरियंस है, लोडर का कोई सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम कुछ यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आपको रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोलकाता में रहते हो, अगर आपको बंगाली बहुत अच्छी आती है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि लोकल लैंग्वेज का भी अगर आपको ज्ञान है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करें तो नॉट बिलो 160 सेंटीमीटर फॉर द मेल। रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको हाइट में दिया जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का, अगर आप एक SC ST कैंडिडेट हो, ठीक, और या फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को बिलोंग करते हो। और इस हाइट का जो भी आप यहाँ पे अपना मेंशन करोगे, जो भी नंबर यहाँ पे हाइट नंबर मेंशन करोगे, उसके लिए आपको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेशन भी यहाँ इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की, तो 16,590, मतलब 16,590 सैलरी यहाँ पे आपकी ये पर मंथ बनाएंगे। ये है आपकी बेसिक पे। इसके अलावा आपको कुछ इंसेंटिव एडिशनल अलाउंस भी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात अगर हम करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा स्क्रीनिंग। यहाँ पे काफी लोग मुझे लिखते हैं कि मैम स्क्रीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों स्क्रीनिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल इंटरव्यू ओनली। यहाँ पे आपके जो HR रिक्रूटर होते हैं, नॉट HR मैनेजर, बट जो आपके HR एग्जीक्यूटिव HR रिक्रूटर होते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि एक PI का ही पार्ट, मतलब पर्सनल इंटरव्यू का ही पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एज की अगर हम बात करें, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो तो 28 ईयर्स यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो फिर 31 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे 33 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नोट इन्होंने दे रखा है, जो कि इन्होंने यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हो इस बॉक्स के नीचे मेंशन करके रखा है। द कैंडिडेट शुड कैरी द पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड इफ अवेलेबल, एंड सर्च कैंडिडेट शुड बी गिवन द वेटेज इन सिलेक्शन। मतलब कि अगर आपका पैन कार्ड आपके साथ है, पासपोर्ट और आधार कार्ड, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि एयरलाइंस में जितने भी इंटरव्यूज होते हैं दोस्तों, उसमें पासपोर्ट इज अ मस्ट, पासपोर्ट इज कंपल्सरी। तो अगर आप एक एविएशन एस्पिरेंट हो, इन फ्यूचर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते
जाते हो उस लाइन में, तो फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा. डू गेट योर पासपोर्ट में, ठीक. तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आप लेके जाओगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा. सिलेक्शन भी आपका यहाँ पे होने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगी. अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है. तो एयर इंडिया के ऊपर जितने भी मोस्टली मैं यहाँ वीडियोज़ डालती हूँ, यहाँ पे आपको एक DD बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 500 रुपीज़ का बनता है. इट इज़ अ DD विच विल बी इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड. काफ़ी कैंडिडेट्स दोस्तों मुझे यहाँ लिखते हैं कि मैम DD कहाँ से बनता है. तो भाई DD आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक आप चले जाओ, किसी प्राइवेट या पब्लिक बैंक आप चले जाओ, वहाँ से आप DD बनवा लो, वहाँ से फॉर्म उठाओ. बैंक में आप कितने लोगों से, वहाँ के एम्प्लॉयज से पूछो कि भाई किस तरीके से DD का फॉर्म भरा जाता है. DD आप बनवा लो. सरकारी बैंक है तो आपको एक दिन में पूरा, आई थिंक मॉर्निंग भी आप जाओगे तो इवनिंग या आफ्टरनून तक आपको DD मिल जाएगा यहाँ पे बन के. और आप किसी प्राइवेट बैंक जाओगे तो विद इन द स्पैन ऑफ 1 to 2 आवर्स आपका DD यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की. तो एप्लीकेशन फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 500 रुपीज इन एयर इंडिया इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेबल एट मुंबई, ठीक. अगर हम बात करें फीस की, तो ये 500 रुपीज एक्स सर्विसमैन और जो कैंडिडेट्स SC और ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनको नहीं देनी है. मतलब जनरल कैटेगरी और OBC कैंडिडेट्स को ही इस फीस को प्रोवाइड कराना होगा, ठीक. अगर हम यहाँ बात करते हैं फोटोग्राफ की, तो 3 महीने से पुरानी फोटोग्राफ यहाँ पे आपकी नहीं होनी चाहिए. सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, फ्रॉम योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस टू योर वर्क एक्सपीरियंस. सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट ही करना होगा. और इसके साथ में आपको अपना ओरिजिनल भी हो पाए तो उसे जरूर कैरी करिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है. तो उस टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत पड़ेगी. थर्ड और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड पॉइंट OBC जो कैंडिडेट्स यहाँ पे OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा. अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU किसी ऑटोनॉमस बॉडी में वर्क कर रहे हैं, तो उनको थ्रू अ प्रॉपर चैनल जो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं वहाँ से उनको एक NOC मतलब एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके एयर इंडिया को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक. अब हम जल्दी से बात करते हैं कंक्लूजन की, जो कि एयर इंडिया हर जॉब में देता है इन शॉर्ट फॉर्म की, मतलब वॉट आर द मेन points within this job. तो shortlisted candidates को यहाँ पे 3 साल के लिए recruit करा जाएगा on the basis of the job performance. उनकी job को यहाँ पे extend करा जाएगा, ठीक. अगर हम बात करें कितने साल की job है ये, तो fixed term जैसे कि मैंने बताया 3 साल की job है ये. This contract could also be terminated earlier at the discretion of the management during the tenure of contract. इन अगर आपका by chance यहाँ पे performance जैसे कि मैंने कहा अच्छा नहीं हुआ, job performance आपकी यहाँ पे उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से organization में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप की जॉब को यहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक. अब हम बात करते हैं यहां पे इस जॉब की, अगर इसमें आपके ट्रांसफर होंगे कि नहीं. द जॉब इज ट्रांसफरेबल टू एनी स्टेशन इन इंडिया, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको कोलकाता में यहीं पे रखा जाए. कोलकाता में वर्क करते करते अगर आप चाहो किसी और स्टेशन पे, मतलब किसी और एयरपोर्ट बेस पे आप अपना ट्रांसफर लेना, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक. अब यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं. आप लोग फ्रेंड्स दोस्तों इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. जल्दी से दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं 5th, 6th, 7th और 8th पॉइंट की. तो 5th पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर यहाँ पे अनसाइंड है, अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट है और पोस्ट के जरिए, बाय चांस अगर आपने पोस्ट किया है, तो आपको पोस्ट कुछ भी नहीं करना है. इंटरव्यू के दिन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, DD, सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार, सब कुछ लेके जाना है. यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करेंगे अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इनको पोस्ट करोगे या इनकम्प्लीट भेजोगे, ठीक. दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये लिखी है कि द एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1st December 2018. जिसका मतलब ये होता है कि अभी तक दोस्तों मैंने आपको जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे इन्होंने क्या कंपनी ने एक अपनी इंप्लॉय से जो भी यहाँ डिमांड्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एम्प्लॉय, तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे, जो कि जिसका मैं अभी आपको फॉर्मेट बताऊंगी किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, वो सब आपका सच होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए. अगर बाय चांस कंपनी को ये पता चला कि आपने यहाँ पे कुछ भी फेकनेस किए, कुछ फ्रॉड किया है, तो आपको उसी समय टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक. अगर हम बात करें यहाँ पे 7th पॉइंट की, तो 7th पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि कंपनी में एयर इंडिया में दोस्तों कोई भी रेफरेंस नहीं चलता है. अगर आप कोई भी पॉलिटिकल या आउटसाइड इन्फ्लुएंस लाएंगे तो उस वक्त भी आपको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा. अब दोस्तों हम लास्ट पॉइंट जल्दी से बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की. तो दोस्तों ये है यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्मेट एयर इंडिया का, ठीक. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस यूज के लिए जो दे रखे हैं बॉक्सेस, इसको आपको एकदम फिल नहीं करना है.
फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन की दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसको पूरा आपको प्रिंट करना होगा। इस पूरे पीडीएफ को दोस्तों मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे इसका लिंक डाल दूंगी, जिसके थ्रू आपको इसका पूरा प्रिंट आउट निकालना है। इसको पूरा एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ स्टिक करनी है, साइन करना है अक्रॉस, मतलब अक्रॉस साइन का मतलब होता है कि आधा साइन आपका फोटो पे होना चाहिए, आधा साइन फोटो से बाहर, ठीक। पोजीशन किसके लिए अप्लाई किया, सिलेक्शन स्टेशन है आपका कोलकाता या पटना, ठीक। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। तो फुल नेम आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, फादर्स नेम, आपकी डीओबी मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जिसको हम कहते हैं, प्लेस एंड योर स्टेट ऑफ बर्थ, क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा मतलब किस एड्रेस पे एयर इंडिया यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करेगा जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। देन जितने भी यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो, विडोड हो, सेपरेटेड हो, क्या आपकी नेशनलिटी, क्या है आपका रिलीजन, इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, आपको 10th से 17th पॉइंट में मेंशन करनी है। अब हम जल्दी से नीचे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो 10th 12th अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है, अगर आपने कोई अदर मास्टर्स या कोई भी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन 18th पॉइंट में आपको देनी है। अब हम बात करते हैं 19th एंड 20th पॉइंट की फ्रेंड्स। तो फ्लुएंसी अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज की अगर आपको यहाँ नॉलेज है, मतलब बंगाली के किसी भी लैंग्वेज की, तो ज़रूरी नहीं है बंगाली, मराठी या कोई भी, अगर आपको तमिल कोई भी लैंग्वेज आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रीड स्पीक राइट में दे सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस अगर किसी भी कैंडिडेट्स के पास है तो यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं 20th पॉइंट में। अब हम बात करते हैं 21st, 22nd और 23rd पॉइंट की। तो 21st पॉइंट में दोस्तों डीडी में जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली, मतलब किस बैंक से कहाँ क्या एड्रेस था उस बैंक का जहाँ से आपका डीडी इशू हुआ है, क्या डेट है, कितने रुपए का डीडी डिमांड, डीडी नंबर, अमाउंट या ऑलरेडी मेंशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। 22nd पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एयर इंडिया के या फिर एयर इंडिया के किसी सब्सिडरी कंपनी में आपका कोई रिलेटिव, कोई भी बाय ब्लड या फिर कोई भी रिलेशन में कोई है, अगर आपका वर्क करता है तो उसका चाहो तो नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी और रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हो। अब हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों 23rd लास्ट पॉइंट की, जो कि होता है आपका डिक्लेरेशन, जिसमें ये लिखा रहता है कि अगर बाई चांस कंपनी को कभी भी पता चला कि आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो फेक है, या फिर अगर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एक तरीके से आप एक प्रॉमिस करते हो खुद से भी और अपनी से भी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ लिखी है वो सब सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, अगर बाय चांस कंपनी को ये पता चला कि इसमें आपने कुछ झूठ लिखा है, कुछ चीज़ गलत मेंशन की है, तो उसी समय जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में, जो इंटरव्यू प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन लगा है उसको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेस डेट, यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, सिग्नेचर फुल करिएगा, हाफ मतलब फर्स्ट नेम का सिर्फ सिग्नेचर मत करिएगा, फुल सिग्नेचर करिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एकदम लास्ट में ना चेक इन लिस्ट, ये बहुत ज़रूरी होती है इसमें दोस्तों, इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी जिसको आपको अपने इस जॉब के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसमें सब टिक कर दीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने इस जॉब के साथ लगाए हैं, ठीक है, इस जॉब के लिए लगाए हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का सेगमेंट। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स या क्वेरीज है, बेशक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है जॉब से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टा पे बेशक यहाँ पे टेक्स्ट करिए, ठीक है। मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक अपने वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी। अब दोस्तों, हम मिलेंगे सीधे कल, कल है मतलब संडे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ डेज से यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं किए थे, तो ऑब्वियसली बैक टू बैक यहाँ पे संडे को वीडियो आएगा, उसके बाद सीधे मैं ट्यूसडे को वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगी एक नए जॉब के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करती हूँ, तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल, बाय एंड टेक केयर।